भारत में हर साल 50,000 लोगों की मौत होती है रेबीज से। दोस्तों, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 50,000 लोगों की मौत रेबीज से होती है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को रेबीज हो जाता है, उसके बाद कोई भी उसका इलाज नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें रेबीज से बचना है तो हमें सावधानी बरतनी होगी और कुत्ते के काटे जाने के बाद हम वैक्सीन को गंभीरता से लें और नियमानुसार वैक्सीन लगवाएं। दोस्तों, मुझसे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो कि मेरे पालतू कुत्ते ने काट लिया, क्या मुझे रेबीज का वैक्सीन लगाना होगा। इसके साथ ही हमारे संस्था GNWH ने कुछ महीने पूर्व एक पागल सांड को, जो आते जाते लोगों को सड़क में आक्रमण कर रहा था, उन्हें घायल कर रहा था, उसे हमारे द्वारा पकड़ के एक पेड़ में बांध दिया गया था। तो कई सारे लोगों ने हमें मैसेज किया, कॉल किया, यहाँ तक कि जब उसे हमने YouTube में डाला तो लोगों ने वहाँ भी इस बात को रखा कि हम उस बैल को बांध दिए हैं और वो भूखे प्यासा मर जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी मनुष्य या जानवर को रेबीज होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, उसे तो पानी से ही डर लगने लगता है, और जब वो खाना पीना छोड़ देता है तो कुछ दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका कोई भी इलाज नहीं है, रेबीज वायरस से फैलता है और इसका कोई भी इलाज नहीं होने के कारण पीड़ित या तो वो पशु है या मनुष्य, उसकी मौत हो जाती है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि हमारे द्वारा उस बैल को वहाँ बांध के, हालांकि बोलने में बहुत ही बुरा लगता है कि हमने उसे बांध दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन इसका कोई भी उपचार नहीं है। उस जीव को, उस जंतु को मरना ही है जिसे रेबीज हो गया है, और हम अगर उसे नहीं बांधते तो कई लोगों को नुकसान पहुंचाता, यहां तक कि उसके माध्यम से भी रेबीज फैलता। अब मैं पुनः आता हूं कि मेरे से जो सवाल पूछा जाता है कि मेरे पालतू कुत्ते ने जिस तरह इसने अगर मुझे काट लिया तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि जानलेवा बीमारी है और इसका कोई भी उपचार नहीं है, तो हमें सावधानी बरतनी है। सर्वप्रथम हमें अपने पालतू कुत्तों को वैक्सीन लगा के रखना है। उसके बाद भी अगर किसी कुत्ते ने हमें बाइट कर लिया, अगर पालतू है, अगर स्ट्रीट है, तो हमें उसे पागल मान के ही, रेबीज का मान के ही हमें उसका वैक्सीन ले लेना है। फिर भी अगर हमें अरे पालतू कुत्ते ने काट लिया तो पहला डोज जो लगता है 0, सेकेंड तीसरे दिन ये तो हमें लगा ही लेना है। तब तक हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कुत्ता स्वस्थ है या संक्रमित हो गया है रेबीज से। अगर हो गया है तो हमें पूरा प्रॉपर लेना है। 0 डे यानी जिस दिन हमको हमारे कुत्ते ने या किसी कुत्ते ने काटा, दूसरा डोज लगता है तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन। तो इसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और कई लोगों को लगता है कि कुत्ते ने हमारे, मुझे सिर्फ पंजा मारा था, नाखून लगा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके कुत्ते को या किसी कुत्ते को रेबीज है तो उसके लार में उसके वो होते हैं, वायरस होते हैं, और कुत्ते ने गलती से अपने पंजे को चाटा है तो हो सकता है उसके पंजे में भी वायरस हो और वो आपको सिर्फ एक स्क्रेच से भी संक्रमण दे सकता है। तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अगर अपने घर में डॉग पाला है तो हम आप अपने आप को किसी कुत्ते के काटने से पहले ही वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें लगता है पहला डोज 0 डे और 7 डे पे। अगर ये हम 2 लगा के रखे हैं तो हमको अगर किसी कुत्ते ने काटता है तो बहुत ज़्यादा भयभीत और डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहाँ भी हमें वैक्सीन लगाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आपने कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लगाया है वैक्सीन, और उसके बाद वैक्सीन लगने के 3 महीने के अंदर अगर आपको पुनः किसी रेबीज वाले कुत्ते ने, जानवर ने बाइट कर लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा, हाल में ही वैक्सीन लगा रखा है और आपको 3 महीने के अंदर पुनः किसी जानवर ने, कुत्ते ने, रेबीज वाले ने आपको काट लिया है, तो आपको 3 महीने के अंदर कोई भी वैक्सीन नहीं लगाना है। आपको वैक्सीन लगा हुआ है उसके बाद पुनः आपको डॉग काटता है 3 महीने से और लाइफ, तो आपको सिर्फ एक बूस्टर डोज लेना होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके यहाँ अगर डॉग है तो आप पहले से ही अपने आप को वैक्सीन लगा के रखें और अपने कुत्ते को भी वैक्सीन लगा के रखें। तो मैं कैसर हुसैन,
हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है केसर छत्तीसगढ़िया। हमारा प्रयास ये है कि जानवरों से जुड़ी छोटी मोटी जानकारियाँ जो सरल और सहज सहजता से कोई भी एक इंसान समझ सके, ये आप तक पहुँचाने की हमारा कोशिश है। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल केसर छत्तीसगढ़िया को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।